तो श्रावण मास की शुरुआत आज सोमवार से हो चुकी है और विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल प्रतिदिन की बजाय डेढ़ घंटा पहले यानी कि भक्तों को दर्शन देने के लिए रात 2:30 बजे जागे हैं। यहां सबसे पहले वीरभद्र की आज्ञा लेकर चांदी गेट खोले गए, उसके बाद बाबा महाकाल का विशेष पूजन अर्चन किया गया और फिर भस्म आरती भी की गई है। तो आज देखिए कुछ समय पहले ही बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाग उठे, प्रतिदिन की बजाय डेढ़ घंटा पहले यानी कि 2:30 बजे। बता दें आपको, आम दिनों में 4 बजे बाबा भोलेनाथ दर्शन देते हैं, बाबा महाकाल दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, लेकिन आज 2:30 बजे से ही महाकाल जाग उठे हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ लाइव तस्वीरें, लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगियों के पास जो आपको दिखाएंगे शिव मंदिरों से खूबसूरत तस्वीरें। महाकाल मंदिर से मेरी सहयोगी अंजलि लाइव जुड़ रही हैं, तो वहीं उज्जैन से संतोष कृष्णानी भी हैं, काशी विश्वनाथ से जुड़ रहे हैं आदर्श सिंह और इसके साथ ही भोपाल के भोजपुर मंदिर से सूरज तिवारी। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे उज्जैन धार्मिक नगरी अवंतिका नगरी और रुक करेंगे मेरी सहयोगी अंजलि का। अंजलि, महाकाल मंदिर में हम देखते हैं लंबी लंबी कतारें साल भर लगी रहती हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सावन का सोमवार है। क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं और इसके साथ ही वो नजारे हमारे दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करिएगा अंजलि। जय श्री महाकाल ऋतु, और इस अभिवादन के साथ ही आप समझ गई होंगी कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, जहाँ कण कण में शंकर का वास है, जहाँ की फिजाओं में महादेव का नाद है, जहाँ की मिट्टी में ही मोक्ष है और विस्तार वही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर परिसर में और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ क्योंकि सावन का पहला दिन है और सावन यहाँ पर जमकर बरस रहा है, बदरा बरस रहे हैं। यहाँ पर मौसम आप देख सकते हैं उज्जैन में जहाँ बारिश की कमी देखी जा रही थी, वहीं अब यहाँ पर मंत्रमुग्ध मौसम कर देने वाला हो गया है। और देखिए यहाँ पर मेरे साथ ना कुछ भक्तगण भी मौजूद है, पहले उनसे बात कर लूँगी, उसके बाद आपको इस मंदिर परिसर की खूबसूरती दिखाऊंगी। यहाँ पर ये कुछ भक्त मेरे साथ हैं। आप यहाँ पर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आर्यन कुशवाहा है, मैं भोपाल सेमरा कला से आया हूँ। और क्या आए दिन आते हैं या फिर ये सावन का मौसम है इसीलिए? नहीं, आते रहते, 3 राउंड लगी जाते हैं हमारे साथ। दर्शन कर लिए क्या? जी, हमारा दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। यहाँ पर कुछ और भक्त मेरे साथ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। बिल्कुल अंजलि, आप लोगों से बात करते रहिए, जानते रहिए कि सावन सोमवार को वो किस तरह से मना रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, सीधे रुक करूंगी संतोष कृष्णानी का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गर्भगृह में मौजूद हैं। संतोष, जरा दर्शन करा दीजिए हमारे दर्शकों को भी जो घर बैठे हमें देख रहे हैं और महाकाल के मंदिर तो नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन विस्तार न्यूज के माध्यम से दर्शन भी करेंगे। संतोष, वो मरे जो काम चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। विस्तार न्यूज के लाखों करोड़ों दर्शकों का एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं सीधे राजा धीराज महाकाल, जो साक्षात निराकार के रूप में सभी भक्तों को दिव्य दर्शन देकर अलौकिक दृश्य के माध्यम से भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। हम आपको दिखा देते हैं, अभी जो सुबह प्रातःकाल की आरती होती है उसकी तैयारियां की जा रही है। बाबा महाकाल को अद्भुत तरीके से, बाबा महाकाल जो निराकार के रूप में है, वहाँ पर जलाभिषेक मंत्रोच्चार किया जा रहा है। पुकारते हैं जब श्रद्धालु तो बाबा महाकाल दौड़े चले आते हैं और ऐसा ही नजारा आप देख सकते हैं। ये रात्रि भर से ही देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हैं अलग जगाने कि बाबा महाकाल अब तो हमारी पुकार सुने, और पुकार सुनते ही आज तो श्रावण मास है और श्रावण मास में जिस प्रकार राजा धीराज महाकाल को सबसे अधिक श्रावण मास का जो माह है वो रहता है, उसी अनुरूप बाबा महाकाल की छवि दिखाते हुए राजा धीराज सभी भक्तों को दर्शन देकर निहाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो बाबा महाकाल की छवि देख सकते हैं, ये श्रद्धालु हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हाथ फैलाकर बाबा महाकाल से दुआएं मांग रहे हैं कि पूरे देश भर में ऐसे ही चमत्कार आपका बरसता रहे, ऐसे ही सनातन आप आगे बढ़ता रहे, क्योंकि कालों के काल महाकाल तो साक्षात अपने काल को भी वश में कर लेते हैं। सर, बाबा महाकाल, जय महाकाल। महाकाल के दर्शन करके आज जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दर्शन हो गया, क्या मांगा? बस सुख संपत्ति और विश्व कल्याण। आप, हम देरी वाले, हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है, हम सरकार से बहुत खुश है। बाबा महाकाल उनको ऐसी सद्बुद्धि दे, बाबा हर साल, बिल्कुल हर साल हमें ऐसे ही दर्शन दे, क्योंकि राजा धीराज के
दर्शन कौन नहीं करना चाहता। अगर घर बैठे विस्तार न्यूज लगातार लाइव के माध्यम से बाबा महाकाल की अलग अलग श्रृंगार के माध्यम से हो, भस्मारती के माध्यम से हो, निराकार के रूप में से हो, और अलग अलग प्रकार से हम भक्तों को बाबा महाकाल की एक छवि दिखाते हैं। और देख सकते हैं अभी पंचामृत पूजन बाबा महाकाल का हो रहा है, जो भक्त गण है नाचते गाते बाबा महाकाल की आरती सुनेंगे, आरती के दर्शन करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल संतोष, आरती के दर्शन हम अपने भक्तों को भी कराएंगे। बने रहेगा संतोष, लौटेंगे आपके पास। और सीधे हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, लिए चलते हैं आपको बनारस, और सीधे आपको दर्शन कराते हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह के माध्यम से। आदर्श हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। आदर्श, तस्वीरें दिखाइएगा, लोगों से बात करने की कोशिश भी कीजिएगा, और साथ ही साथ दर्शन कराने की भी पूरी कोशिश करिएगा। आदर्श, देखिए बिल्कुल इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आसपास की तस्वीरें भी दिखा दें और आपको बताएं कि आखिर क्या कुछ यहां पर माहौल है इस वक्त। एक तरफ आप काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट की तस्वीर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूर तक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ये कतार है, और जिसमें ये भक्त कल रात से ही इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तस्वीरों में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि अंदर की तस्वीर दिखाना मुश्किल है क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है, और हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए? पढ़ाओ, कब से लाइन में लगे? रात को 9 बजे से। 9 बजे से अभी नंबर आने जा रहा है? अभी अंदर जा रहे हैं। कितने बजे से? साउथ से हैं? चेन्नई से आए हम। चेन्नई से हैं। कब से लाइन में लगे? बहुत अच्छा, हम रात 2 बजे से लाइन में हैं। 2 बजे से आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है कि जाने वाले नजदीक पहुंच गए? बहुत मुश्किल है बट हम वो सब पसंद है, इधर सब बहुत अच्छा है, बट आज क्राउड बहुत ज्यादा है, सोमवार है ना इसीलिए क्राउड बहुत ज्यादा है। देखें तो और भी भक्त हैं, इसमें भक्तों की कोई सीमा नहीं है इस वक्त। अगर आप देखें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सभी आयु वर्ग, उम्र वर्ग के लोग यहां पर मौजूद हैं, और कमोवेश एक ही ख्वाहिश है सबके मन में कि किसी तरीके से बाबा विश्वनाथ यानी काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन हो। आज ये विशेष सुविधाएं बनाई गई हैं, इसके साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था को भी टाइट किया गया है। आदर्श, और कहते हैं ना कि भले ही हम अंदर दर्शन ना कर पा रहे हैं, लेकिन इन भक्तों का इंतजार देखिए जो रात के 9 बजे से लगे हुए हैं, 2 बजे से लगे हुए, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और एक झलक उन्हें देखने को मिले। लौटूंगी आपके पास और सीधे रुक करेंगे ऐतिहासिक मंदिर भोजपुर का। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी मौजूद है। सूरज, इतिहास बहुत बड़ा है भोजपुर मंदिर का, और हम देखते हैं कि भोजपुर मंदिर में हर सोमवार को भक्तों का तांता लगा होता है। सावन सोमवार में खासी भीड़ देखने को मिलती है, भक्तों की लंबी कतारें होती हैं। आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सूरज? देखिए ऋतु, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के पास जो भोजपुर मंदिर है वहां पर मौजूद हूँ। सबसे बड़ी शिवलिंग मानी जाती है कि यहीं पर है, और बम बम भोले का नारा लगाते हुए जो भक्त हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो शिवलिंग है उसका दर्शन करवाएंगे विस्तार न्यूज के माध्यम से। यहाँ की शिवलिंग की तस्वीरें आपको ऋतु दिखाई दे रही होंगी, फूलों से जो शिवलिंग है उसे सजा दिया गया है, और भक्तों की जो लाइन है लगातार घंटों से भक्त यहाँ पर लाइन पे लगे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। बम बम भोले के नारे और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो यहाँ पर भक्त आए हैं लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाथों में बेलपत्र और फूल की टोकरी लिए हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और सावन की शुरुआत इस बार सोमवार से ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर दिन की अपेक्षा सोमवार को भीड़ होती है, लेकिन सावन के सोमवार होने के कारण यहाँ हर दिन की अपेक्षा आप देखें कि लगातार भीड़ ज़्यादा है, लाइन पे लोग लगे हुए हैं। जो भक्त आ रहे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। दर्शन हो गए आपके? जी बहुत बढ़िया दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा हमको। हमारी एक ही इच्छा है कि बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और बहुत सभी की मनोकामना पूरी आए हुआ। हम भोपाल से आए हैं। अच्छा, हमेशा आते हो या सावन में आए? हम हमेशा आते हैं, हर सोमवार को आते हैं। अच्छा, हर सोमवार के आते? जी। तो आज तो भीड़ ज्यादा दिख रही है? बहुत, काफी भीड़ है, और अभी बहुत आने की संभावना भी बहुत है, और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, लगातार लोग दर्शन करके आ रहे हैं। आपने भी दर्शन किया? दर्शन कर रहा हूं, बढ़िया हुआ दर्शन। दर्शन हो गए? हाँ हो। कब से लाइन में लगे थे?
अभी बहुत देर से लगे थे, एक दो घंटे हो गए हमारे लिए, दो घंटे से लगे। हाँ, तब जाकर दर्शन। हाँ, दर्शन हुए। देखिए ऋतु, जो लोग लाइन पे लगे हैं, दो घंटे बात करते रहिए, उनसे जानते रहिए कितने देर से लगे हुए थे लाइन में और अब कैसा महसूस कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास और सीधे लिए चलते एक बार फिर से उज्जैन महाकाल की नगरी और मंदिर परिसर में मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि। अंजलि, और भी तस्वीरें दिखाइएगा, भक्तों से बात भी करिएगा, जानिए कहां कहां से वो पहुंचे हैं महाकाल की नगरी और दर्शन करने के लिए अभी और कितना इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ना क्योंकि सावन देखिए महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। कहाँ से आई आप? मैं भोपाल से आई हूँ, बिहार के रहने वाली हूँ। बिहार के रहने वाले हैं, ये बताइए क्योंकि सावन महिलाओं का त्यौहार है और ऐसे में आपकी भजन मंडली भी रहती है, कीर्तन भी करती है, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे ही गुनगुना दें अपनी भक्ति में। जी, आप भी आइए। गौरा ढूंढ रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को, गौरा ढूंढ रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को, ना चाहिए हमको कानों के कुंडल। यहाँ पर भक्त आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर गार्ड भी मौजूद हैं, यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन क्योंकि अब बारिश रुक गई है तो मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की यहाँ पर आपको मंदिर प्रांगण की तस्वीरें नजर आ रही है। आप देख सकते हैं वो है महाकाल का शिखर, और देखिए महाकाल का शिखर आप देख पा रही होंगी, और साथ ही साथ आपको सामने दिख रहा होगा श्री सिद्धि विनायक मंदिर, और यहाँ पर लोग आते हैं रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। ये रक्षा सूत्र जब आप यहाँ से बंधवा के पहुँचते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि भैया उज्जैन से हो आए हैं क्या, तो ये रक्षा सूत्र मैंने भी बंधवाया है। यहाँ पर कलावा का अपनी ही पहचान बन गई है, और किसी ना किसी तरीके से भस्म आरती भी जो है वो पहचान बन गई है, और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जोधपुर से। जोधपुर से, तो खास सावन के लिए ही आए हैं? हाँ, सावन के लिए महाकाल के दर्शन करने। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए, कैसा लग रहा है यहाँ पे, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, बारिश भी हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, मैं भी अभी बारिश में ही खड़ी हूँ, लेकिन बारिश भी भक्तों का उत्साह रोक नहीं रही है, और आप देख सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूं कि क्योंकि देखिए भस्म आरती तो हो गई है, भस्म आरती संपन्न हो गई है, लेकिन अब जो है वो महाकाल की सवारी निकलेगी। बिल्कुल, महाकाल की सवारी, भक्तजन पहुंचते हैं दूर दूर से, महाकालेश्वर पहुंचते हैं तो वो भक्त ओंकारेश्वर भी जाते हैं, तो हम भी अपने दर्शकों को ओंकारेश्वर के भी दर्शन करवा देते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर की वहां पर मौजूद है। पुनीत, तस्वीरें दिखाइए महाकालेश्वर मंदिर की, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन ओंकारेश्वर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं पुनीत? हमारे साथ मौजूद है राज भैया, क्या माहौल है, क्या कितना महत्व है ओंकारेश्वर महादेव का? भगवान श्री ओंकारेश्वर जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप अपना अपना अलग होता है, भगवान ओंकारेश्वर जी का स्वरूप जो है वो निराकार स्वरूप में विराजे हैं। यहाँ पे तीनों देवों की स्तुति आराधना की जाती है, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको तीनों देवों के ही दर्शन मिलते हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो भी महादेव जी का श्रावण मास में पूजन दर्शन जल से अभिषेक करता है उनके समस्त रोग दोष ग्रह क्लेश नष्ट हो जाते हैं तथा परमात्मा परब्रह्म परमात्मा की प्राप्त कृपा प्राप्त होती है उनको। जैसे कि भगवान ओंकारेश्वर महादेव जी हैं, यहाँ पर दो मंदिर हैं, ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव। ये जो मंदिर है ओंकारेश्वर जी का, ये मानदाता जी के समय का है, भगवान राम के पूर्वज जो थे उनसे संबंधित मंदिर है। भगवान जो यहाँ पर विराजित है वो अनादिकाल से विराजित हैं। इनकी जो पूजा होती है, तीन टाइम पूजन होती है, तीनों देवों के प्रतीक में पूजा होती है। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी के स्वरूप में पूजा होती है, द्वितीय जो पूजा होती है वो विष्णु जी के स्वरूप में होती है। 12 ज्योतिर्लिंग में अन्यत्र किसी जगह भी भगवान के स्वयं दर्शन नहीं होते हैं सिवाय ओंकारेश्वर महादेव जी के, जो कि यहाँ पर विशेष दर्शन वही माना जाता है। तो देखिए ऋतु कितनी अच्छी जानकारी रही है, यहाँ पर कई सारी महिला है भजन कीर्तन कर रही है, तो ये कलर है, ये रंग है महादेव के, पूजा करती है। आइए हम सुनाते हैं हमारे दर्शकों को क्या गा रहे हैं ये लोग। चमा चमे नाचोंगे रखड़े बे पैराए रे मैं तो हरवो बे पैराए, रखड़े बे पैराए रे मैं तो हरवो बे पैराए, मैं तो करी आई सोला सेने गार। चमा चमे नाचूं
तो कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से। तो ये क्या गा रहे हैं आप लोग? भजन गा रहे हैं। भजन गा रहे हैं भोले बाबा का। दर्शन हो गए क्या? हाँ दर्शन हो गए। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो तो कष्ट तो करना पड़ेगा बाबा के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। महिला में पूरी बस आते हैं, हर महीने में आते हैं दो बार दर्शन स्नान करके फिर जाते हैं हम। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है दर्शन करके। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। तो देखिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। भोलेनाथ के भजन चल रहे हैं और जैसा कि महत्व हमें रवि पुजारी ने बताया है तो कितना अधिक महत्व है यहाँ पर ये भी हमें पता चला है। ऋतु यहाँ पर आज पहले सावन सोमवार है तो लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जाएगी। सुबह का समय है तब भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु है। थोड़ा कंजेस्टेड मंदिर है, थोड़ी सी अव्यवस्थाएं भी हो जाती है, लेकिन यदि श्रद्धालु समझ के साथ आए तो न अव्यवस्थाएं होंगी न विवाद की स्थिति उत्पन्न होंगी, बहुत अच्छे से दर्शन भी होंगे। जैसा कि पुजारी ने भी बताया है हमें कि तीन तरह के दर्शन होते हैं और काफी अच्छा लोगों को भी लगता है, मनोकामना पूरी होती है। सावन का सोमवार इसीलिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष तौर पर जो कन्याएं होती है, आप तो बेहतर जानती होंगी, कन्याएं जरूर सावन सोमवार के व्रत करती है, उनका भी अलग ही महत्व होता है। जी ऋतु बिल्कुल पुनीत, सावन सोमवार के व्रत किए जाते हैं और हम अपने भक्तों को दर्शन भी करा रहे हैं आज के खास मौके पर, इस शुभ मौके पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराए। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। ऐतिहासिक मंदिर भोजपुर लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। सूरज वहां पर मौजूद है। सूरज और भी तस्वीरें आप दिखाइएगा क्योंकि सावन का महीना है और ऐसे में जिस तरह से मौसम बेहद खूबसूरत रहता है, आसपास के नजारे खूबसूरत रहते हैं और भोजपुर मंदिर जिस जगह पर स्थित है यहाँ भी आसपास खूबसूरत नजारे हैं, तो हमारे दर्शकों को भी आसपास के नजारे दिखाइए, भक्तों से भी बातचीत करिए। सूरज निश्चित तौर पर ऋतु अपने कैमरामैन सहयोगी से मैं कहूंगा कि चारों तरफ घुमाकर जहां पर भोजपुर मंदिर है यहां पर प्रकृति के खूबसूरत नजारे एक बार जरूर दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि जो भोजपुर मंदिर नहीं आ पाए हैं वो यहां के नज़ारे देखें। सबसे पहले ये मंदिर को देखें किस तरह से विशाल मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है, शिवलिंग मानी जाती है, तो यही है। चारों तरफ आपको नज़ारे दिखाएंगे कैमरामैन सहयोगी। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ है और ऋतु और आरती भी चल रही है, जो भगवान शिव की है वो आरती भी यहाँ पर की जा रही है। आरती और यहाँ पर लगातार भोग नजारे बजाते हुए लोग भगवान भोलेनाथ की आरती भी कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं जो शिव की भक्ति में दी हुए हाथों में जल लिए, हाथों में दूध लिए, लगातार वो और शिवलिंग में चढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं बातचीत भी करूँगा यहाँ पर जो भक्त आए हुए नीचे जाकर कि हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और हर हर महादेव के नारे यहाँ पर हो रहे हैं लगातार, जो उनसे बातचीत भी करूंगा। रितु कहाँ से आई हैं आप? सर मैं तो भोपाल से ही है, CRPF के MGC। अच्छा जी, कोई भगवान भोलेनाथ का कोई गाना सुनाएंगे? जी सुनाइए। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ हो वो शंकर नाथ हो। देखिए मेरा भोला है भंडारी गाना सुना रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग यही से भोपाल से। भोपाल से आए, हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा आते हैं। देखिए हमेशा आने वाले लोग भी आए और बम बम भोले के नारे लग रहे हैं, इधर भी कई लोग हैं। कहाँ से आई मैम आप? यही भोपाल से। भोपाल से हमेशा आती हैं? जी हर सोमवार आएंगे। कितने घंटे में दर्शन हुआ? बस जल्दी हो गया। अच्छा जल्दी हो गया। देखिए कहाँ से आई हैं? आनंद नगर से। भोलेनाथ का गाना कोई सुनाती हैं आप? नहीं सुनाती। कितने घंटे में दर्शन हुआ? थोड़ी देर में ही हो गया। चलिए आप कहाँ से आई हैं? यहीं से भोपाल। कहेंगे कितने घंटे में दर्शन हुआ, कितना समय लगा? आधा घंटा। हाँ जल्दी आ गए थे तो जल्दी दर्शन हो गया था। अच्छा, कितने बजे लाइन में लगे? लाइन में क्या, हम तो आके डायरेक्टली दर्शन कर लेते, सुबह क्या है हम लोग। दर्शन हो गया, जो ऋतु सुबह से आए थे उन लोगों का दर्शन हो गया और लगातार भीड़ जो है अब बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद यहाँ पर भारी भीड़ देखी जाएगी क्योंकि जब मैं भी आया था तब कम भीड़ थी लेकिन अब लगातार लोगों की संख्या बढ़ती है। और बड़ी बात यह है ऋतु की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये मंदिर है, फिर भी इतने लोग आए हुए हैं और बारिश हो रही है, बारिश रिमझिम बारिश सुबह से हो रही है और बारिश के इस मौसम में भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जी बताएं क्या।
आप पूछिए, मैं बता रही हूँ। कहाँ से आए? मैं भोपाल से। अच्छा, भोपाल से आई हैं। मेरे साथ? जी, हमेशा दर्शन हुआ? जी बिल्कुल हुआ, बहुत अच्छे से हुआ और बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है सारा कुछ, और हर बार करते हैं सभी जनताओं के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें करी हैं, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई है, बहुत ही अच्छे से सुविधाएं दी हैं। और शिव जी के लिए मैं एक गाना भी गाना चाहूंगी। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, जब लाना तुम ही लाना द्वारे मेरे बारात जी, ओ शंकर नाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। और कुछ सुनाएंगे? बस चलिए, तो जो लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का जो गीत है वो भी सुना रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं, और इस बात के लिए भी खुशी है कि प्रशासन ने जो है अच्छे बंदोबस्त, अच्छी व्यवस्थाएं की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है लोगों को। ऋतु बिल्कुल 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 बने रहेगा, सूरज लौटेंगे आपके पास। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, झारखंड तक, हर तरह की तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही हमारे सहयोगी जो लगातार बने हुए हैं वो भी आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे कि किस तरह का नजारा आज देखने को मिल रहा है, और तमाम तस्वीरों के साथ, तमाम दर्शन के साथ आपको ये भी बताएंगे कि पहुंचने वाले भक्तों में कितना उत्साह है।